कुछ कहिए अपने बारे में, आप बताइए कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और यहाँ पे लोगों का बिहेवियर आपको कैसा लगा? बिहेवियर भी बहुत अच्छा, फ्रेंडली बिहेवियर था ना। कैसा आप सब, आई होप कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, अभी हम आए हुए हैं गोड्डा का गांधी मैदान। पिछले जो है 21 तारीख से यहाँ पर गोड्डा का गांधी मैदान में नेशनल नेटबॉल का स्पोर्ट्स हो रहा है। हाँ, तो गाइस अभी जो है आप सभी लोग से कुछ दोस्तों से बात करेंगे और इन सभी लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे कि आप इन लोग जो है कहाँ से है और कितने दिनों से प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आप सभी लोगों से मिलाते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले भाई आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ बोलते थोड़ा? मेरा नाम अमित। तो आप कितने दिनों से यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं? यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर तो आपको गोड्डा आकर कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है आपको? यहाँ का रहन सहन खाना पीना कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई। आपका नाम क्या? हेलो भाई, सुदीप सिंह। भाई मिलिए इनसे भी, और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर हमारे गोड्डा में? बहुत अच्छा भाई, इसका नेचर बहुत अच्छा है। अच्छा है? हाँ भाई, खाना पीना भी बहुत अच्छा। थैंक यू भाई कि आप हमारे स्टेट आए, हमारे गोड्डा जिला आए, और आपको अच्छा भी लगना चाहिए आप यहाँ पर आए हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम मेडल, बस मेरा भी यही है कि जो आप मेडल लेके जाए, कोई भी जाए, हमारा भाई बहन जितने भी लोग आए हुए हैं, ये हमारे लिए बात हुआ कि आप आए हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई आपका नाम क्या हुआ? तो भाई आपको कैसा फील हो रहा है हमारे गोड्डा का? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत आपको लगता है कि आप जो है मेडल लेकर जाएंगे? आप जाएंगे, आपका मेहनत के ऊपर डिपेंड है, आप लेकर जाओ। हम दो साल हो गए मेहनत करते हैं। भाई आपको कैसा लग रहा है बोलिए गोड्डा? अच्छा लग रहा है। थैंक यू भाई, आप सभी लोगों से जानने को मिला, हमारे ऑडियंस को भी मालूम चला। दर्शकों को लाइक शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो भाई, और सब्सक्राइब और लाइक करो। बहुत अच्छा दिख रहा है इसका आदमी का। तो हाय एवरीवन, तो अभी आप सभी लोगों को हम मिलाने वाले हैं एमपी के टीम से और गर्ल्स टीम में। तो चलिए आप सभी लोग एक एक करके मिलाते हैं और इन लोगों से भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता दीजिए ऑडियंस से। आई एम फ्रॉम एमपी। मेरा नाम दीक्षा साहू, आई एम फ्रॉम एमपी। आप बता दीजिए थोड़ा। माई नेम इज अनामिका राजनंदिनी सेलेक्टेड फ्रॉम एमपी, जयश्री परिहार फ्रॉम एमपी। तो आप सही लोगों को गोड्डा आकर कैसे आप लोगों को यहाँ का रहन सहन खाना पीना कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है यहाँ का सब चीज़, व्यवस्था वगैरह सब ठीक है। और आप लोग अभी तक कितने मैच खेल चुके हैं? तीन मैच खेल चुके हैं, जीते हैं। तो इन लोगों के लिए वही काफी है कि अभी तक तीन मैच में एक मैच जीत चुकी है ये लोग, और इन लोगों से भी मिलकर काफी अच्छा लगा हमको। कुछ कहिए अपने बारे में, आप बताइए कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? और मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और यहाँ पे लोगों का बिहेवियर आपको कैसा लगा? बिहेवियर भी बहुत अच्छा, फ्रेंडली बिहेवियर था ना। चलिए थैंक यू, आप सभी लोगों से मिलके काफी अच्छा लगा और आप लोग अपना अपना राय दिए हैं हमारे इस YouTube चैनल पे, तो आप सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। सो हाय एवरीवन, तो अभी हम आप सभी लोगों को मिलाने वाले हैं यूपी के भैया सबसे। तो चलिए आप सभी लोगों को मिलाते हैं और बात वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले हेलो भैया, मुजफ्फरनगर से। तो भैया आप कितने दिनों से प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो? एक साल हो गया। एक साल, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं भैया जो है एक साल से प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं और हमारे गोड्डा आए हैं खेलने के लिए नेशनल नेटबॉल। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, अच्छी व्यवस्था है, व्यवस्था वगैरह जो भी है सब कुछ। ओके, तो भैया कैसे हो?
बढ़िया। आपका नाम क्या होगा? अक्षांश चौहान। अच्छा, यूपी के कैप्टन आप ही है? तो जैसे ही गाइस आप मिल सकते हैं, जो है यूपी के टीम से कैप्टन है। और भैया आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया व्यवस्था है। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर? काफी अच्छा लगा। और आप लोग यहाँ पर आए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बढ़िया लग रहा है। और सब चीज खाने पीने रहने की व्यवस्था कैसी है? गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हर एक स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं, और सभी लोगों को जो अच्छा लग रहा है हमारे यहाँ पर आके और खेलने के बाद सभी लोगों को यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो गाइस आप सभी लोगों को जो है और बातें करूँगा और दिखाऊंगा। तो सर कैसे हैं सर? ठीक है सर, बोलिए। आप जैसे देख सकते हैं यूपी के जो टीम के जो सर है यही है, और आप सभी लोग मिला देते हैं यूपी की टीम के सर। सर आप अपने टीम के बारे में कुछ बता दें। सर बताने क्या, हमारी टीम बहुत ही अच्छे से तैयारी करके आई थी यहाँ पे, और हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। लगभग 4 मैच हम लगातार जीत चुके हैं। तो जैसे ही आप लोग देख सकते हैं, यूपी की टीम जो है लगातार 4 मैच जीत चुका है, और हम लोगों को भी काफी अच्छा लगा कि जीते हैं, और बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, कि मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। तो और कुछ बता दीजिए थोड़ा हमारे ऑडियंस को। ऑडियंस में ये बताना चाहूँगा, हमें झारखंड में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और हम धन्यवाद करना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर का जो हमें इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं। और सर थैंक यू, थैंक यू सर कि आप हमारी वीडियो पे आए और थोड़ा अच्छी अच्छी बातें हम सारे ऑडियंस को बता पाए, हम अपने वीडियो के माध्यम से हमारे यहाँ का जो व्यवस्था है सब दिखा पाए। तो जैसे गाइस आप सभी लोगों को मिला दिए, आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।